मैंने ही जो जानबूझ करके आर्मी के बैगों के रूम लेने के लिए मैंने ही जो भर रहे थे उसके अकॉर्डिंग टू थोड़ा लालच भी था कि हमारी एक सीट मकान खराब क्यों हो, क्योंकि आरपीएस मेंबर बन गए हो तो मुझसे भी तो मिले भी नहीं है, कटती कॉल भी नहीं हो पाई है। हमने प्रयास किया भाई उनसे बाबू बुला के बातचीत करें पर वो अभी आ नहीं रहे, तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई। वो व्यक्ति अगर मान लो रिटायरमेंट के बाद में अगर अपनी जाति के साथ में बातचीत करे तो थोड़ा संयम बरतना चाहिए थी, ट्वीट करे कोई जाति के खिलाफ में, किसी व्यक्ति के खिलाफ में, वो कतई स्वीकार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कंडेम भी किया उसको, कंडेम भी किया है, अनफॉर्चुनेट भी है, दुखद भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसे क्या कहें, डैमेज कंट्रोल, कबूलनामा या सफाई? जो नए नवेले आरपीएससी सदस्य केसरी सिंह के बयान के बाद सीएम अशोक गहलोत को देना पड़ रहा है, और एक बार नहीं बार बार, क्योंकि केसरी जी ने बात ही ऐसी बोल दी थी कि आग तो लगनी ही थी। केसरी सिंह की लगाई आग बुझी नहीं कि केंद्र से ईडी पहुंच गई। अब आलम तो ये है कि अपने ही अधिकारी के फैलाए रायते को खुद सीएम साहब समेट रहे हैं। दो महीने की चुनाव की दंगल के अंदर और लोग सफर क्यों करें, ये सोच के हमने नाम को पुटअप किया, माननीय राज्यपाल महोदय ने अप्रूव कर दिया और वो बना दिए गए। बाद में मालूम पड़ा कि जो उनके जो पीठ थे या जो उनका जो वीडियो वायरल किया, बहुत मुझे दुख हुआ, बहुत धक्का लगा। मैं आज भी आहत हूँ, एक आर्मी का 22 साल का सर्विस किया हुआ आदमी, आर्मी का कोई व्यक्ति होता है ना वो देश प्रेम की भावना रखता है, देश के लिए मर मिटने तैयार रहते हैं, उसके लिए जाति धर्म वर्ग सब पीछे हो जाती है, आदमी वही लोग जाते हैं। सुना आपने, सीएम गहलोत को अफसोस है कि कैसे अधिकारी को आरपीएससी में ले आए। कल हमने आपको बताया था कि केसरी सिंह की नियुक्ति के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका सैन्य बैकग्राउंड था। सेना के अधिकारी को आरपीएससी में बैठाकर गहलोत एक बड़ा माहौल अपने पक्ष में करना चाहते थे, और ये बात गहलोत ने भी साफ साफ स्वीकार कर लिया। हालांकि उनका कहना है कि अब उन्हें इस फैसले पर अफसोस है, लेकिन पब्लिक में तो चर्चा ये है कि फजीहत के बाद गहलोत पल्ला झाड़ रहे हैं। जाटों और गुर्जरों के खिलाफ केसरी ने जो आग लगाई है उसमें पानी डाल रहे हैं। खैर, अब पानी की बात हो ही गई है तो पानी के नाम पर गहलोत ने शेखावत पर जो आग उगला है वो सुनिए। एक स्टेट के साथ में और वही मंत्री हमारे यहाँ का, उसके बाद में उनको संकोच ही नहीं है, शर्म भी नहीं है कि लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। यहाँ का मंत्री पानी का विभाग बहुत इम्पोर्टेंट विभाग है, कैबिनेट मंत्री है, उनके एहसास होना चाहिए मैं किस पद पे बैठा हुआ हूँ। वो ढंग से उनको बिहेव करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को कन्विंस करना चाहिए था, वादा ज्यादा दिलाना चाहिए था, बल्कि उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री के मुँह से ये सब निकले ही नहीं है, मैं इस्तीफा दे दूंगा राजनीति से। जब महेश जोशी जी हमारे पीएनडी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री वादा निभाए, वहीं जाके माइक पे वापस खड़े हुए और ये कहा बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप, पीएम ने कहा ही नहीं, मैं खुद मीटिंग मौजूद था, अगर पीएम ने एक शब्द कहा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा राजनीति से। क्या हुआ उसको इस्तीफे का, इतनी बड़ी योजना हमारी बर्बाद कर दिया उसको। सवाल था ईआरसीपी का और जवाब था गहलोत का। तो आप भी जानते हैं ईआरसीपी के मुद्दे पर गहलोत मोदी और शेखावत को पानी पी पी कर कोसते हैं। इस बार भी वही हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल केसरी सिंह, आरपीएससी, पेपर लीक और अब ईडी की एंट्री से गहलोत बैकफुट पर हैं। चारों ओर सवाल ही सवाल और बीच में फंसे हैं सीएम गहलोत। अब देखना होगा इस बार गहलोत इन सारे सियासी उठापटक से कैसे पार पाते हैं और अगला जादू कब, कहां, किस पर और कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।